थाना चनेरा क्षेत्र में लापता महिला का शव खेत में पड़ा मिला। लापता महिला का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। थाना अछनेरा क्षेत्र में दो दिन से लापता महिला का शव खेत में पड़ा मिला। जैसे ही शव मिलने की सूचना मिली, परिवार में कोहराम मच गया। भारी भीड़ खेत पर पहुंच गई। ऐसा बताया गया है, ओमवती घर से 8 किलोमीटर दूर चारा काटने के लिए गई थी, उसके बाद घर वापस नहीं लौटी। परिवार के लोग तभी से ओमवती को तलाश रहे थे। परिवार के लोगों का कहना है, दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। वैसे तो मतलब उसकी बात देखा थे, पुलिस ने तो किसी ने मारी है और इसका रैप है। किसी से कोई रंजिश चल रही है? ऐसी कोई रंजिश नहीं है, हम किसी का कुछ खाते नहीं है, अपनी मजदूरी करते हैं। बच्चे पूर्व में कभी वाओ हैं? पूर्व पहले कभी वाओ? ऐसी भाई कोई रंजिश नहीं है। आज कैसे सूचना मिली आपको कि यहाँ है? जो बहू है हमारी एक परिवारी और हमारी एक बहनी, उसने यहाँ देखावारी करी है। अभी तब आई है देखावारी करवे तो बेसोचरी में अचानक घुस गई है। अच्छा, जिस दिन ये घर से आई थी तो बाकी जो घर में जो सदस्य थे उन्हें पता नहीं था कि ये चारा लेने गई है? बहू ने मालूम है। तो फिर खेत पे उसी दिन नहीं देखा यहाँ के? उस बहू ने मालूम जाए वो मतलब यहाँ तो हमारी बहनें यहाँ सो जाती, मतलब हमारे दो दो घर है, ये पीछे वाले और आगे वाले, तो उसमें सोची आगे सो गई और उसने सोची पीछे सो गई। मतलब आपका कहने का मतलब है इनकी हत्या की गई है? हत्या की गई है। मौके पर थाना छेरा पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही वारदात का खुलासा हो जाएगा। 13 तारीख की सुबह से जो है घर से चारा लेने के लिए निकली थी, उसके बाद लौटी नहीं। घर वाले तलाश करते रहे, आज तलाश करते करते यहाँ मौके पर आए तो इनकी यहाँ डेड बॉडी मिली और पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। शव काफ़ी, चूँकि 3 दिन हो गए हैं, गर्मी के कारण शव काफ़ी सड़ गल गया है। वस्तु स्थिति जो है पीएम के बाद ही बताई। जैसे सर मृतका का पति बता रहा है कि कपड़े भी अस्त व्यस्त अदालत में मिले हैं, क्या कपड़े चूँकि जंगल में है, 2-3 दिन लाश को पड़े हो गए हैं जी, तो ये टेक्निकल चीज़ है, ये तो डॉक्टर ही बता पाएगा कि क्या वास्तविक स्थिति। अब सवाल ये उठता है, आखिर किन लोगों ने ओमवती की हत्या को अंजाम दिया, किस नियत से हत्या की गई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस बात का पता चलेगा। देखना होगा कि पुलिस कब तक ओमवती की हत्या का खुलासा करती है। अछनेरा से अपने साथी दिनेश गर्ग के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।